बिहार में नीतीश कुमार की सख्ती के बावजूद मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के ग्रामीण हिस्सों में नल जल योजना दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। यह अलग बात है कि प्रखंड के कई पंचायत के कई वार्ड में नल जल योजना अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं, लेकिन यह बातें हत्था पंचायत के चांदपुरा एवं खनुआ गांव के वार्ड संख्या 15 के वासियों को तो अब तक झूठा ही लगता है। कारण यह बताया जा रहा है कि पिछले साल भर से नल जल योजना का काम यहां कराए जा रहे हैं, लेकिन अब तक योजना का कार्य पूरा नहीं हो सका, लिहाजा वार्ड के सैकड़ों परिवारों के घरों तक ना नल लगे हैं और ना ही योजना का जल ही नसीब हो सका है। क्या नाम हुआ आपका? राम सेठ मंडल। क्या परेशानी है, नल से जल गिर रहा है? ना अभी तो गिरा नहीं, कल शाम से ये मोटर वोटर चालू हुआ है, पाइप सब कहीं सही नहीं है। कनेक्शन तो हुआ नहीं? कनेक्शन भी नहीं हुआ, अगान में पाइप गया है वो भी नहीं गया है, लेट्रिन बाथरूम में भी नहीं गया है। अब जो पाइप लगाया गया वो ठीक ठाक है? नहीं, वो भी ठीक ठाक नहीं। ये जो भवन का काम नहीं ठीक हुआ है अभी, ये भी नहीं ठीक हो रहा है। तो कब से काम चल रहा है? एक साल, ये तो एक साल से ऊपर हो रहा है। इसको तो डेली आता है इंक्वायरी, तक आता है आज पानी पियो कल पानी पियो, यहाँ तो पानी डेली पी रहे हैं। और ठेकेदार बना रहा है कि कोई जनप्रतिनिधि? ये ठेकेदार है कन्याल नगर के, और ये वार्ड है हमारा, उससे थ्रू ले रहा है। क्या करे, आज न पियेंगे 10 साल में पियेंगे, यही बात सोचते रहते हैं। नीतीश सरकार कह रही है कि घर घर हम पानी पहुंचा रहे हैं, वो तो यार चोरी करता है। डॉक्टर परेशान है, क्या करेगा? सबसे पहले नंबर तो लेट्रिन बाथरूम कहते थे कि जब हम बना दीजिए तो हम इतना रुपया देते हैं, आज तक के हम बनाया, बुढ़ा हो गया लेकिन नहीं मिला है आज तक। क्यों नहीं मिला? अब बताइए, अप्लाई होता है तो तेरा वैकेंसी नहीं है, तो तेरा नंबर नहीं है, दूसरे लोगों को मिला है। पूछिए फिर अगले आदमी को, हमने कहा कि भाई हमारा जोगाड़ लगाओ बनाओ। दूसरे लोगों को मिला? हमारा यहाँ पर तो सबको मिल गया सर। नहीं बना तो लोगों को कैसे मिला? जो नाम मिला है उसको भी मिल गया, इसमें दलाली घुस देते हैं ना, अगर कहीं 12,000 के जगह पर 6,000 आपको खिलाए तो कल ले काम कर दीजिएगा, अगर हम 5 रुपया नहीं देने वाला है तो नहीं होगा। तो निरंजन राय के बोल दिए हम ऊपर। कौन है निरंजन राय? वो विधायक जीते हैं, उनको भी बोले हैं। अभी जो चुनाव हुआ उसमें जीते हैं? जी। अच्छा, तो उनको भी हम परसों फोन पर कह दिए जी आप भी जीते हैं तो वही मेरा है। अच्छा, ऐसा क्यों कहे? आधार कार्ड नहीं बन रहा है। मान लीजिए जो यहाँ हमको पहले मोबाइल नहीं चलता था, अब हुआ कि मोबाइल के आधार कार्ड पर चढ़ा कर लाओ तो पैसा छूटेगा, ठीक है। अब वो करने के लिए ब्लॉक जाओ, पीयर जाओ, बैंक जाओ, वो भी नहीं बनेगा तो 500 रुपया दो फिर बनेगा। विधायक भी रिस्पॉन्स नहीं लेते, सांसद उनसद कोई नहीं? वो तो नया विधायक है, अभी तक उनको घर पर पहुंचे हैं नहीं, लेकिन फोन पर बोल दिए थे। कितना दिन से पाइप पड़ा हुआ है? 4 महीना ऐसे पड़ा हुआ है। देखिए पाइप भी इतना दिन से 6 महीना से ऐसे ही रखा, हम लोग कह रहे हैं ढकिए नहीं रहा इसको, मान लीजिए हम कह रहे हैं बार बार रिपीट कर रहे हैं। वार्ड सदस्य नहीं बोलते हैं कि? वार्ड सदस्य बोलते हैं। क्या जवाब मिलता है? जवाब मिलता है अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, ऐसी पड़ा हुआ है। गहराई तो ज्यादा देना है, मगर मान लीजिए वो थोड़ा ही, मान लीजिए मिट्टी पहले खनवा करके उसके बाद बरसात में भर गया, उसके बाद पाइप जाए। कितना दिन से पड़ा हुआ होगा? 6 महीना से ऊपर हो गया। 6 महीना हो गया बाढ़ से पहले? बाढ़ से पहले की बात। अभी ड्यूटी नहीं लगा था, 7 महीना हो गया। वार्ड साहब को बोले हैं कि नहीं? बोले हैं। क्या बोले? हमें टोटी लगाइए तो कहता है और लगा देंगे, लगा देते हैं। ये गड़ा हुआ है छोटू? नहीं, तो ऐसे ही अटकाया हुआ? हाँ, ऐसे ही अटकाया हुआ। ऐसे ही करके फोटोग्राफी हो गया, एस्टीमेट बन गया? हाँ, ऐसे ही बन गया। कितना दिन से लगा हुआ है? 6 महीना से। ग्रामीणों का बताना है कि योजना राशि की निकासी जिस हिसाब से हुई है उस हिसाब से अब तक काम नहीं हो सके हैं, काम के नाम पर टालमटोल एवं खानापूर्ति का खेल यहां खेला जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप यह भी है कि जो काम हुए भी हैं उसकी गुणवत्ता पर ग्रामीणों को एतराज है, साथ में योजना कार्य की गति पर भी ग्रामीणों को एतराज है। लोगों का बताना है कि सरकार भले ही सख्ती बरत रही है लेकिन स्थानीय वार्ड प्रबंधन समिति एवं कार्य एजेंसी को इस बात की परवाह नहीं है। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी कभी मामले की पड़ताल करने नहीं पहुंचे हैं। वार्ड क्षेत्र के लोगों ने बताया कि इस मामले की शिकायत उन लोगों ने कई बार पंचायत से लेकर प्रखंड के अधिकारियों को मौखिक तथा लिखित रूप से की है। मामले का आवेदन भी वरीय अधिकारियों को भी भेजकर कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन कार्रवाई की खानापूर्ति से उन लोगों की उम्मीदें अब धूमिल हो गई है। लगभग 1 साल से
काम अब उसका विभागीय है, कभी कहता है कि सरकार पैसे नहीं दे रहा है, कभी ठेकेदार नहीं आ रहा है, यही सब। ये कौन बोलते हैं? वार्ड बोलते हैं, ठेकेदार बोलते हैं कि जो बोलता है हमको विभाग से पैसा दिला दे। आप लोग विरोध नहीं करते? विरोध करते हैं, तभी तो टंकी रोकवाए हैं, दूसरा चला, हर काम विरोध ही करके करवाए हैं। अपनी मर्जी से होना, अपना मर्जी से तो जैसे मर्जी वैसे करके चला जाएगा, हर काम पे जहाँ गलत होता है हम लोग विरोध करके सही करवाए। जो बात पहले बोला गया है वो बात सही है। क्या सही है? अब जो हम वो जो बोले हैं, अब यहाँ पर डेली ऐसे बार बार बोलने से कोई बोले जैसे ही अपना मर्जी से, एक बार इंसान एक बार बोल दिया, दूसरा बार बोलने से क्या गया? यहाँ 6 महीना बरसात रात दिन होता है, नाला खनाया रात में, जैसे पपीता पेड़ हट गया, हमको जैसे फाइकस पेड़ दिल्ली से लाया वो हट गया, वही जगह पर हम जैसे बड़ा 1 फुट उधर बढ़ा दो चाहे इधर बढ़ा दो, वो भी नहीं किया, जेसीबी लगा कर खन दिया। हम बोला चलो सरकारी काम है, जहाँ भी खन सकता है। अच्छा, एक 15 फीट जा करके जैसे रोड सटा कर जैसे ले गया है, कोई वारंटी जैसे आकर चेक करो, जैसे रोड हमारा सामने सामने घर है, हमारा सामने पाइप कहाँ गया है, कितना फुट तर गया है, और 20 फीट आगे जा करके खनवा कर देखा जाए कि कितना फीट है, समझिए। इसलिए हम लोग खोजेगा तो इस पर हो जाता है पार्टी सिटी जैसे तुम आपका हक है, क्यों नहीं खोजे? हक जैसे अकेला करने वाला लायक नहीं है। सरकार गरीबों के घर गरीब सरकार से जल दे रही है, देखिए सरकार दे रहे हैं, सरकार खूब दे रहे हैं, लेकिन लेने वाला खाने वाला यहाँ जैसे चमचा खा जाता है। आखिर कौन है चमचा? चमचा आप नाम क्या बोले है उसको, जैसे बहुत तो है। कहाँ गलती, चूंकि आप पब्लिक हैं, आपके हक की बात हो रही है। सबसे पहले हमको जिसको ब्लॉक में पहचान है, जान है, अपना आदमी है, उसको स्वस्थ हो जाएगा, जिसको नहीं है उसको 75 दिन दबिएगा, यहाँ 5 रुपया मजदूरी कर खाने वाला डेली हम ब्लॉक जाएगा, 50 रुपया भाड़ा दे करके 50 रुपया का काम नहीं हो रहा, ब्लॉक जाओ तो वहाँ 500 रुपया देंगे तो उसके काम होता है। आपको पता है कि बिहार में नीतीश जो है सरकार में है और कह रहे हैं कि हम हर गरीबों की बात सुन रहे हैं, जो अफसर हैं वो सभी के लिए होते हैं, और फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपकी हक की बात हो रही है, हक सरकार देखिए नीतीश के भी हम दोष देंगे, वो तो दे रहा है, दारूए बंद किया तो वो जैसे घटवाला वो जैसे बढ़ा दिया जाती, अगर आज भट्टी खुला रहता तो ये आदमी के मरम्मत नहीं आती, आज 300-100 के बदला में 300 के दारू मिलता है कि नहीं मिलता है, हर जगह पर मिल रहा है, सभी जगह मिल रहा है, हर जगह पर मिल रहा है। पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, पुलिस जैसे पकड़ेगा, पुलिस जैसे एक पेटी गाड़ी पकड़ेगा और उसी के 2-3 लाख रुपया लेगा और उसी के हाथे फिर माल बेच कर पैसा ले लेता है। ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है कि अपना जो कानून है कीजिए, हमारा कानून है, सरकार दे रहा है, नहीं देता सो नहीं, लेकिन खा करके गरीब के नहीं मिलता है, पैसे वाला पैसे खाता, बुद्धि जिसको पढ़ा लिखा है उसी का अपना दिमाग चलता, हम लोग तो माँ बाप पढ़ाया नहीं है। एक चीज बताइए, आप चुप क्यों हैं? क्यों क्यों विरोध नहीं? बोलने लायक नहीं है हम, बोलने लायक नहीं है, हमारा भेजो नहीं चलेगा, कोई सुनेगा नहीं, इसलिए चुप रहे, चुपचाप रहे, चुप रहने पर जैसे चुप है हम अथी रहे। इसको करना है 3 फीट गहरा करना है, 3 फीट से और नीचे है, मगर हमको जैसे कहने आता है वैसे सर कहते हैं, आप देख लीजिए इस पर जो कै फीट गहरा है, कैसा पाइप है सो देख लीजिए, ये तो एकदम खुला ही हुआ है, खुला हुआ है, नजर के सामने में ये नहीं है जो हम खुदाई किए हैं, वैसा ही पड़ा हुआ है, और वैसे आ रहा आगे दिखाते हैं सर, ऐसे ही खुला खुला मिलेगा, ऐसा ही खुला खुला मिलेगा सर, ढका ही नहीं गया है। जिस समय गराया उस समय विरोध नहीं किए सर, किए, वही बात कहा, तुमको जहाँ जाना है तहाँ जाओ, नल से जल गिर रहा है, क्यों नहीं गिर रहा? लगा ही नहीं है, नल जल योजना के फायदों के बारे में जब लोगों से बातचीत की गई, उनका बताना था कि इस योजना का नल उनके दरवाजे तक पहुंचेगा भी या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है, जहां यदि पहुंच भी गया है तो सही सलामत जल मिलेगा कि नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं लगती है, क्योंकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता सही नहीं है, लिहाजा इसका टिकना भी मुश्किल है। कौन वार्ड सदस्य? अजीतपुरा। अच्छा, इस गड्ढे में अगर कोई बच्चा गिर जाए वही ना, देखिए तो फिर क्या होगा? खतरा होगा। कितना दिन से गड्ढा खनना हुआ? ये तो पहला तो भर दिया, ठीक है, अब ये आज की कल खाना हुआ, अब फिर पानी कहाँ से आ गया? बारिश हुई है? नहीं नहीं, घर से। तो आप लोग मना नहीं किए कि इसको भर देने के लिए खतरा हो सकता है? नहीं, कहता है जब साफ डालेंगे
अच्छा आपके घर पर लग गया नल जल का पाइप? नहीं, क्यों नहीं लगा? अब हमको कहा जो मटका पाइप दीजिए काला वाला और कहा डुप्लीकेट देंगे, उसी कहा हमको हमको घर होगा इधर लंबा जाना है हमको मटका। अच्छा वार्ड सदस्य बोलता है कि डुप्लीकेट देंगे? हाँ। और आप मांग करते हैं कि ओरिजिनल चाहिए? चाहिए, हमको लंबा जाना है, इसीलिए छोड़ के चला गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नल जल योजना में ठेकेदारों की मनमानी ऐसे चलती है कि जबरन बोला जाता है कि हम अपनी मर्जी से पाइप लगाएंगे। दरअसल बूढ़ी माता बता रही हैं कि इनको चाहिए ओरिजिनल पाइप जो ज्यादा टिके, सुरक्षा हो। अब देखिए जो कहें जो समझें आप, लेकिन गड्ढा खोद के छोड़ दिया गया है क्योंकि यह महिला जरूरत कर रही है विरोध करने का कि सही हो, और इसलिए सजा के तौर पर खुलेआम इस तरह से इनको सजा दी जा रही है कि इनके यहाँ काम नहीं हो रहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सच्चिदानंद ठाकुर है। अच्छा, और हम 10 साल पहले वार्ड मेंबर थे, ये लोग को हम पर भरोसा है थोड़ा, इसलिए बार बार हमको कहता है कि देखिए भाई साहब ऐसे है वैसे है। वार्ड मेंबर को कहते हैं, तू कहता है कि प्राइवेट में बात जाइए। अरे प्राइवेट में क्या बात करेंगे हम, लेना देना लेने देने का बात है क्या? प्राइवेट में क्यों बतियाने की? क्यों बतिया, पब्लिक से बात करो, जो समस्या उसका समाधान करो। हमारे दरवाजे पर कितना दिन के बाद आज जो है उसको खोदना शुरू किया है। कितना पुराना ये मामला? 1 साल पहले का है। 1 साल से चल रहा है, आजकल होते चला जा रहा है। एक दो को सामने अपना जादू पिला दिया, जो बोलने वाला है उसको रोड पर अपना जा रहा है, धमकी दे रहा है, कौन बोलेगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, खुद नहीं बोलता। पाइपलाइन जो बिछाया गया उसकी क्वालिटी ठीक है? बिल्कुल रद्दी है, 3 नंबर है। और टंकी जो चढ़ी है उसकी क्वालिटी थोड़ा सा ठीक किया, ई वाला लगा रहा था, हम लोग विरोध करके उसको कह दिए। चलो भवन भी तो पूरा नहीं बना है। भवन पूरा कहाँ बना है? तो कब तक बनेगा ये सब कुछ पता है? कोई उम्मीद नहीं है, कहता है पानी चालू हो गया, बात खत्म है। इस टॉपिक पर बात ही नहीं करते हैं व्हाट्सएप? नहीं करते हैं। अच्छा आते जाते हैं यहाँ? आते जाते हैं, लेकिन कोई ग्राम सभा वार्ड सभा नहीं लगा है। स्थल का चयन स्वयं अपनी मर्जी से किए हैं, अपने फैमिली में इसका जो है सचिव को चुने हुए हैं, अपने फैमिली के आदमी को अपने मर्जी से करते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि इसकी शिकायत किस अफसर से किए हैं? BDO साहब को जाके दिए हैं। क्या रिस्पांस मिला? वो कहें कि अच्छा देख लेते हैं। कितना दिन पहले कंप्लेंट किया? कंप्लेंट पहले किए, पूर्व में किए थे 15 दिन पहले, फिर उसके बाद भाई जी कल कर दिए। अच्छा एक चीज़ बताइए कि जो सांसद विधायक होते हैं तो पब्लिकली बहुत बताते हैं कि बिहार के सांसद विधायक की बहुत कुछ हो रहा है। कोई कुछ नहीं है उसमें, बंदा ब्लॉक में न कोई विधायक है, न कोई सांसद है, न कोई मुख्यमंत्री है, न प्रमुख है, ऐसा न इसमें कोई मुखिया है, ऐसा क्यों? ये जो है इनका राजतंत्र जो है बिल्कुल ढीला ढाला चल रहा है। इन लोगों की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल कोई संतुष्ट नहीं, हम तो संतुष्ट नहीं है। आखिर क्या वजह है कि आप जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं उन्हीं से खफा क्यों हो जाते हैं? खफा हो जाते हो दलाल के चक्कर में? दलाली होती है? बिल्कुल दलाली होती है, धमकी। वो थोड़े बड़े लोग हैं, बाहुबली लोग हैं, इसमें बाहुबली का इसमें थोड़ा धंधा है। जल मीनार का संपूर्ण निर्माण भी अब तक नहीं हो सके हैं, अब तक अधिकृत वैध लाइन कनेक्शन भी नहीं लिए गए हैं, सड़क के एक किनारे पाइप लाइन बिछी है, नलका लगाए गए हैं, तो दूसरी तरफ के लोगों को इससे वंचित किया गया है। आपके इधर नहीं लगा है नल से? ना। क्यों नहीं लगा है? बोलू हम निकाली से बोलू पाइप के ना आते, बोलू एक ही तरफ रोड के एक ही तरफ मिलेगा? एक तरफ। तो आप तो उसी वार्ड में है ना? हाँ। तो फिर क्यों नहीं मिला? मांग नहीं कर रहे हैं वार्ड सदस्य की हमारी तरफ? मांगे तो कहीं तो क्या बोलते हैं? कैसे तुम लगते ना लगते, बस एक ही बात बताया जा रहा है। तो फिर क्या करेंगे आप लोग, कैसे पानी पियेंगे? कई जगहों के नलका तथा पाइपलाइन क्षतिग्रस्त तथा घटिया निर्माण कराए जाने जैसी भी शिकायतें सामने आ रही है, लिहाजा इस बात को लेकर लोगों में नाराजगी है और लोगों में शिकायत की मांग तेज हो गई है। ग्रामीणों ने A2Z न्यूज लाइव से बातचीत करते हुए यह भी दावा किया है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे लोग धरना प्रदर्शन के साथ ही इस बात की शिकायत करने मुख्यमंत्री सचिवालय भी पहुंचेंगे। साल भर हो गया खद्दा खनवाला, पाइप डलवाला, इस साल भर से बाढ़ से पहले खद्दा खनवा दिया, सबको ऐसा ही छोड़ दिया। इसमें सांप है, चूहा है, मूसा है, गंदा है, फंदा है, सब घुस गए। हम लोग की बात कहें कि रे भाई जो इसको झंपा दो, आना तो बाढ़ के बाद में खनवाना। तो क्या बोला है, तुमको जहाँ जाना है तहाँ जाओ ना, खनाएगा तो खनिया खनाएगा, ऐसा ही बोला वार्ड बोला वार्ड सदस्य 15 नंबर के अजीत राय। हम अपना गौन हो गए, बुरा लंग पाइप नहीं गाड़ने दिए, जी हम पाइप नहीं धंसाने देंगे,
तुमको कहा तुमको दूरा पर धंसाबो न करेंगे, तुमको जहाँ जाना है तहाँ जाओ, इससे कुछ होगा नहीं। चुप भ गए, खद्धा खन दिया, सब तर मिट्टी जैसे जहाँ जो हुआ दिया और छोड़ दिया, पाइप पैसा ही उघाड़ है। इसके बाद फिर हम लोग सब जागरूक हुए हैं, दूरा दरवाजा पर जो बोलते हैं उसको दूरा पर जाते हैं झांप देते हैं, जो नहीं बोलते हैं उसको छोड़ देते हैं। बोलता है कि किन्हू चालू कर दिए, बात खत्म है, अब हमार काम भ गए, चालू कन का कदले बात खत्म, ऐसा ही बोला। हम लोग सब अपना कार्रवाई में घुसे हैं, कहाँ जाते हैं तो कोनो आदमी सुनबे नहीं करता है, वीडियो साहब भी नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? वीडियो साहब का इस काहे नहीं सुनते हैं, सो वो लोग समझेंगे। सर हमको कमीशन के चक्कर में नहीं सुनते हैं कि कैसे नहीं सुनते हैं, धरा देते हैं उनको। यहाँ कल भी कागज जमा हो गया है, क्या सहता बाबू, कल भी जमा हो गया, उनको यहाँ जाते हैं तो वो लोग कहते हैं अच्छा हम देख लेंगे, तो देख लेंगे सर कहिया, मर जाएंगे तब अब आइएगा। नीतीश बाबू कहते हैं हम जल नल दिए, आज जल नल के लिए हम तरस रहे हैं, हमारे रोड तोड़ दिए, रोड तो आप चल के देखिए सब तरह जो शाही रोड खाली है। अच्छा ये जो जल नल योजना है तो आपके वार्ड में कितना लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा? नहीं कुछ होगा सर, तो 250 से लेकर 300 आदमी पानी पिएगा। तो किन्हीं लोगों को पानी नहीं मिल रहा? कोई लोग के नहीं पानी मिल रहा है। कितना दिन से काम हो रहा है? साल भर से काम हो रहा है सर। साल भर से? तो क्यों अटकता चला गया ये साल भर? कहता है वार्ड को पूछते हैं, हम लोग तो वार्ड से पूछेंगे, ठेकेदार से नहीं पूछ सकते हैं, इसलिए जो वार्ड के थ्रू ना है, ठेकेदार वार्ड ने बेचा है, हम लोग पूछते हैं जो वार्ड साहब क्या हुआ इस जल नल का, जो लोग पानी के लिए तरस रहा है। कहता है हम तो दे दिए हैं ठेकेदार को, ठेकेदार ना समझेगा। हम इस बार का एक कहबो किए जो हम ठेकेदार से काहे समझेंगे, ठेकेदार के तुम दिया है, तुम बिक्री किया है, हमको है वार्ड से काम ना है, हम वार्ड से हम पूछेंगे, समझे ना सर। आपके जनप्रतिनिधि वो हैं तो उनसे बात करेंगे आप। जी, जी। अच्छा ये बताइए कि ये जो डीप कितना है, नीचे कितना गहराई गारा गया? 390 है। कितना गारना था? लिस्ट मांगे नहीं देते हैं, एस्टीमेट नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि कितना का एस्टीमेट होना चाहिए, करीब कितना का लागत से ये बन रहा होगा नल जल योजना का पूरा? ये 10 से 12 लाख रुपया बहुत है, लेकिन कहीं कहीं तो 18 से 20 लाख का एस्टीमेट होता है। हाँ हुआ है, आयोजन 20 लाख का एस्टीमेट है, जो सही में जो विजयगढ़ बाबू का घाटा लगा है वही वार्ड का, जो सही काम हुआ है ये भी उतना ही का होना चाहिए। नहीं हुआ सर, पाइप देखिए अभी ऐसा ही पाइप रखा हुआ है, डुप्लीकेट पाइप लगा, जहाँ मोटका पाइप छिड़ियाना है तहाँ पत्थर की पाइप लेकर छिड़िया दिया सब में। अच्छा आखिर वार्ड सदस्य ऐसा क्यों कर रहे हैं? कैसे क्या कर रहे हैं सर तो वो लोग समझेंगे, हम लोग को तो झाड़ का हटा देते हैं। कुछ वजह तो आप लोगों को पता होगा, ग्रामीण है तो पता तो यही है, जो कहने जाते हैं जो वो सर कल्ला रुकल है यहाँ ये चीज कहू, तो कहे जाते हैं तोरे सब बात हम बता देवो, तू हमार की मालिक छा, 3 से 4 दिन में इस चीज का नहीं हो रहा है कुछ, तो हम लोग सोचे हुए हैं 10 गो बंदा यहाँ से निकलेंगे, चंदा करके हो जैसे हो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, लेकिन अपने धरना पर बैठेंगे, अपने हक को उठाएंगे उठाएंगे हक चाहिए। हाँ हक के लिए लड़ रहे हैं।